नमस्कार जैन दोस्तों, आज हमारा डे टू है और कल तो RFID कार्ड हमारे बन नहीं पाए, तो अब हम जा रहे हैं RFID कार्ड बनाने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे भगवती निवास। भयंकर भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, ये भीड़ लगी हुई है तत्काल में टोकन वालों की। यहाँ से टोकन मिलेंगे तो इनका RFID कार्ड बनेगा, पर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हम अभी जा रहे हैं RFID कार्ड बनाने के लिए। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद में फाइनली RFID की एंट्री शुरू हो गई है और ये देख के पब्लिक बड़ा ही खुश हुई। इसके बीच में कुछ हमें अपने सब्सक्राइबर मिले और जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत ही उत्साहित हो गए और बम बम भोले के नारे लगाने लगे। महाराष्ट्र कितने बंदे हैं आप लोग? 17 बंदे। तो अब तक कैसे लगा आप लोगों को यहाँ पे? सब बढ़िया बढ़िया, बोले की कृपा से सब बढ़िया, ट्रैवल चल रहा है, सारी चीजें ओके। दिक्कत यहाँ पे थी, सर्वर डाउन की वजह से हो गई थी। अब 4 घंटे से लाइन में है, अब देखते हैं अभी कब तक लाइन की मतलब पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। कोई नहीं, चालू हो गया तो एक बम बम बोले बोल दे। बम 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 बम। भाई लोग, हमें अब RFID कार्ड मिल गया है। हम लोग यहाँ पे जो सेंटर है, करीब रात को 4 बजे आ गए थे लेकिन सर्वर डाउन था और हमें करीब करीब 2 से 2.5 घंटा वेट करना पड़ा। बट अब हमें फाइनली 6:30 बजे करीब हमें RFID कार्ड मिल गया है और अब हम जा रहे हैं भगवती नगर यात्री निवास। अब वहाँ से हम लोग बालटाल के लिए बस बुक करेंगे, तो चलते हैं भगवती नगर और फिर वहाँ आपको मिलते हैं। तो भाई लोग, हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं भगवती नगर और यहाँ से पर बंदा ये 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं और यहाँ से करीब 5 या 6 किलोमीटर के आसपास होता है। भगवती नगर पहुँचने के बाद में ये कुछ था वहाँ का नज़ारा। ये इतनी भीड़ लगी हुई है सिर्फ एंट्री करने के लिए यात्री निवास में। आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही माइनटली चेक की जा रही थी। बॉम्ब स्क्वाड वाले भी लोग यहाँ पे थे जो कि रोड पे चप्पे चप्पे की छानबीन कर रहे थे। यात्री निवास के अंदर आकर ये है कुछ रेट लिस्ट रूम्स की, लेकिन इसमें डॉर्मेट्री के रेट नहीं लिखे हुए हैं जो कि 50 रुपये पर पर्सन है। और ये है लॉजिंग काउंटर जहाँ की आपको रूम्स एलोकेट होते हैं और यहाँ पे आप रूम के लिए पेमेंट करते हैं। और ये है वो AC हॉल, ये सामने देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है। ये चारों तरफ लोगों ने गद्दे गद्दे बिछा रखे हैं, तो जो गद्दे मिलते हैं वो इस तरीके से आप यहाँ पर बिछा करके रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो। और यहाँ पर जगह जगह आपको ये सॉकेट्स भी मिल जाएंगे जिसमें कि आप अपने जो भी फ़ोन या बाकी कुछ डिवाइस है वो चार्जिंग में लगा सकते हो। और यात्री निवास में जो सबसे अच्छी अरेंजमेंट है वो है खाना। आपको यहाँ पे आके खाने के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे लंगर के काउंटर मिल जाएंगे जहाँ पे आपको काफ़ी टेस्टी खाना मिल जाएगा और मैंने भी यहीं पे खाना खाया, जहाँ पे कि पूरी, हलवा, छोले, मिक्स वेज, चावल, दाल, ये सब मिल जाते हैं। और यहाँ पे तो आज स्टिंग बट रही थी तो मैंने स्टिंग भी पी। दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है स्वाहा पे जो जम्मू बेस्ड है, इसमें कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इंटर्नशिप लिया है और जो इनका पूरा जो काम है वो ये है लोगों को इनिशिएट करने का, लोगों को अवेयर करने का कि प्लास्टिक को यूज ना करें या जो रियूजेबल प्लास्टिक है उसका भी कम से कम इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करें। तो उनसे एक ये किट मिलती है, एक ये किट है जो यहाँ से मुझे मिली है। और इनका जो इनिशिएटिव है वो है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा स्टील की बॉटल यूज करें, तो इन्होंने ये स्टील की बॉटल दी है यूज करने के लिए। और इसके साथ साथ एक ये स्टील की स्पून है, एक छोटा सा गिलास है ये गुड। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो ब्रश है ये वुडन ब्रश है, क्योंकि इनका ये कहना है कि भाई ऊपर जब आप अमरनाथ पे जाएंगे तो इट्स बेटर कि आप प्लास्टिक ना यूज करें और वुडन का ब्रश यूज करें। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है जी। इसके अलावा एक ये टॉवल मिलता है
और एक ये सोप, तो अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके जरिए मैं भी लोगों से अपील करता हूँ कि इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा सील यूज करें, प्लास्टिक का यूज बंद करें, बिकॉज नेचर को बहुत हार्म होता है। नेचर आप देख ही रहे हैं कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है। तो पेड़ लगाएं और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, जिसमें कि हम प्लास्टिक को बिल्कुल बंद करें। और मेरी इन लोगों से काफी बात हुई है, तो एक छोटा सा इंटरव्यू है, तो आप उसमें देखें और जरूर से सुने इस कन्वर्सेशन को जो इन बच्चों ने मदद करी है, और इस वीडियो के माध्यम से इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद में हम लोग अब लेट गए हैं, टाइम करीब 4 बज रहा है, और इसके बाद में हम लोग अभी जो हमारी बस है वो रात के करीब 1 बजे की उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो बस निकलेगी यहाँ से बालटाल के लिए वो 2 से 3 बजे के बीच निकलेगी, तो हम सो जाते हैं क्योंकि रात को उठना पड़ेगा। और फिर ये जो हमने गद्दे वगैरह लिए हैं ये हमें सरेंडर भी करने पड़ेंगे, तो अभी हम सो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आज मैं एंड करता हूँ डे 2 का, और कल हम मिलेंगे डे 3 की शुरुआत में। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।